फ्रंट लाइन शेयर्स में अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक इज समथिंग वेयर हमें लगता है कि बैंकिंग शेयर्स में अभी भी राइट नाउ आई थिंक जैसा निकुंज सर बोल रहे थे कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं वहां पे फोकस रखना चाहिए, तो डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक, कोटक, दीज आर द बैंक्स, आज जो एफआईज आएंगे वो सबसे पहले वही स्टॉक्स खरीदेंगे जो जिनमें वो पहले लेते थे ऑब्वियसली। तो दीज आर द प्राइवेट बैंक्स में मेरे को लगता है इवन कुछ पीएसयू बैंक्स भी हैं, बट लार्जली जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो मेरे को लगता है यहाँ से आपको ये 5 से 10% की रैली आपको रिजल्ट्स, इलेक्शन रिजल्ट्स तक दे सकते हैं। और लगता यही है कि रिटेल में डिसबर्समेंट वगैरह के जो नंबर्स अभी तक हम देख रहे हैं ये क्वार्टर ठीक ठाक ही रहे हैं, तो एचडीएफसी और कोटक के लिए और दूसरे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके लिए इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट स्पेंडिंग में थोड़ा सा स्लोडाउन आया तो हो सकता है कि थोड़ा सा जहाँ पीएसयू में जहाँ पे होता है तो वहां पे थोड़ा सा स्लोडाउन आए, बट यहाँ पे मेरे को नहीं लग रहा है कि कुछ है ना स्लोडाउन आना चाहिए। और पीएसयू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में मेरे को लगता है यहाँ से आपको अच्छी रैली देखी जा सकती है, यहाँ से 10% की रैलीज भी देखी जा सकती है।